सचिन सर कोई और मतलब ये लिंक क्रिएट कर लेगा शायद उसका सही। चलो मैं ऊपर जाता हूँ, रुको। हाँ बोलो सर, कोई और इनवाइट कर लेगा अभी कॉल, ये लिंक जूम लिंक क्रिएट करेगा शायद। अरे किसी और के पास में लेकिन क्रिएट नहीं, अब 100 पार्टिसिपेंट नहीं होगा ना, वो वीपी के पास ही है। वो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को वापस भेजना मतलब फिर गड़बड़। एक मिनट ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, जाके देखता हूँ। हाँ अभी बोलो, अभी ठीक आ रही है आवाज आपकी। हेलो, बेटर है एकदम राउटर। हाँ एक मिनट। चेंज किया मैंने, पहले एक्सटेंशन पे था, अभी मेन राउटर। हाँ बोलो, अभी आवाज बेटर है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो बेसिकली नाउ हाँ, अभी एक चीज मैं जो बोल रहा था, नोटिस किया तुम लोगों ने एक चीज, टेम्परामेंट। हाँ टेम्परामेंट करी, टेम्परामेंट। हाँ क्या एग्जैक्टली था, जब इन्फो करता हूँ तो एक बहुत हाई पीपी आवाज नहीं आ रही है। इन्फो कॉल होता है तो दैट इज अ वेरी हाई। अयो फ्रीक मैन। हेलो, हाँ जी, हाँ यस, हेलो, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं वो करता हूँ, इन्फो कॉल करता हूँ, तो बहुत हाई नोट में होता है, यू नो, और बताओ कैसे हो आया, बहुत मजा आ रहा है, यू नो, समझ रहे हो, एक्साइटिंग मोड होता है वो, राइट। हाँ और जब मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी में, लेकिन यू नो, सुन 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 सुन, फटाफट फटाफट सुन, मतलब वैसे वाले मोड में हूँ, राइट, अर्जेंसी मतलब सुन, मेरे को मिल गया कुछ टाइप्स। हाँ अर्जेंसी है, आई गेटिंग मी, क्योंकि तू, हाँ मतलब मैंने तेरे को, मतलब मैं बहुत जल्दी में हूँ, और मैंने तुझे, तूने मुझे बोला था तू थी सीरियस, इसके लिए फोन कर रहा हूँ, राइट, करेक्ट। हाँ यस सर, तो अभी और एक कॉल करें, किसको बनना है, अगर और 5+3 ढंग से सुनोगे ना, पार्ट टू ऑफ 5+3 ढंग से सुनोगे तो एग्जैक्टली यही समझा है उसमें, मेरे 8-10 साल में कोई चेंज नहीं किया मैंने, 5+3 लोगों के पास 8-8 साल से, मगर वो उसको सुना भी है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में निटिग्रिटीज में नहीं गए। आर यू गेटिंग मी, हेलो, यस यस सर। हाँ तो अभी कौन बनेगा, और करता हूँ मैं बनता हूँ सर, अशोक। हाँ जी चलो अशोक जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सुना आपने, 10 था। यस सर, आप बोल, अब आप बोलो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में थोड़ा रोबोटिक जैसी आवाज है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अरे सर आवाज क्लियर है नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी फोन करता हूँ मैं। हेलो अशोक जी। हेलो कौन सचिन भाई। हाँ जी अशोक जी, कैसे हो आप? बस मैं बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? बस बढ़िया हूँ, सुनो आपको एक स्पेसिफिक रीजन से फोन किया मैंने आपको, ओके। आप फ्री हो ना, बात कर सकते हो इतना से? ध्यान से सुनो आप, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली में, ओके। आपको याद है वो दिन मैंने आपको बताया था मेरे बिजनेस के बारे में, तो आपने बोला था कि आपके लिए कुछ है तो बताओ करके। तो मुझे ये पूछना था कि आपने वही बोल दिया था कि सीरियस हो? नहीं नहीं सीरियस था, इसलिए आपको बोला ना। अभी भी सीरियस हो ना? हाँ। नहीं मैंने बोला पूछ लेता हूँ फिर भी। नहीं नहीं अभी टॉक अबाउट एनीथिंग, राइट, अभी भी सीरियस हूं। ठीक है तो बेसिकली क्या हुआ कि आपको एक गुड न्यूज देता हूँ, परसों मैं और मेरे पार्टनर बैठे हुए थे और हम लोग बैठ के एक्सपेंशन प्लान बना रहे थे पूरा, इन फ्यू अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड वी रियलाइज दैट वी नीड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ, एंड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ वी आर ओपन टू ऐड वन और टू मोर पार्टनर्स, लाइक माइंडेड पार्टनर्स, ओके। तो उस दिन आपने मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ में बोला कि यार मुझे भी है कुछ तो बता दो, तो मैं आपको पूछ लूं, अगर आप सीरियस हो तो एक मीटिंग फिक्स करता हूं,
गारंटी कुछ नहीं लेता हूँ, कोई प्रॉमिस भी नहीं करता हूँ, लेकिन मीटिंग फिक्स करता हूँ और मीटिंग में हो सकता जम जाए, मेरे को भी ऐसे ही मिला था। okay. क्या बोलते हो? सही है, है ना? तो मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ अपने सीनियर पार्टनर के साथ में, तो मैं आप और वो तीनों बैठेंगे अपन। okay. बात करेंगे, और मोस्टली तो पहली मीटिंग में तो जनरली बिजनेस की बात तो थोड़ी बहुत होगी, बट मेन बिफोर बिजनेस तो एक दूसरे को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं, वो मैच होता है कि नहीं होता है, होता राइट। okay. तो आप कल शाम को 7:30 बजे ओके हो आप? डीआईसी 7:30 बजे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, आप वीकेंड में कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या मतलब वीकडेज में बिल्कुल टाइम नहीं रहता? वीकडेज में एक्चुअली ना थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर हो सकता है मैं टाइम पे ना पहुंच पाऊं। नहीं 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 नहीं, फिर ठीक, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो एक काम करते हैं हम, फिर हम ना हम फ्राइडे को करते हैं, बेटर राइट? बेटर फ्राइडे को। हाँ नहीं भाई, फ्राइडे को थोड़ा जल्दी करेंगे, फिर मे बी 4 बजे के आसपास इधर। ओके फ्राइडे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्राइडे मेरा ऑफ ही होता है, तो फ्राइडे किसी टाइम आ जाओ। तो ठीक है, फ्राइडे तो फ्राइडे को 4 बजे आप डीएफसी आ जाओ। ओके, 4:30 का मीटिंग फिक्स करूंगा मैं, सो दैट 10-15 मिनट अपने को मिल जाए बैठ के बात करने के लिए, मैं और आप बात कर लेंगे। और थोड़ा टाइम पे आइए, सो बिकॉज मेरे सीनियर पार्टनर का टाइम थोड़ा ना टाइट रहता है उनका, मे बी हमको वेट करना पड़ जाए उनके लिए 10-15 मिनट, बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू वेट फॉर अस, बिकॉज यू नो माई लाइफ इज चेंजिंग ओनली बिकॉज ही इज होल्डिंग द हैंड राइट, एंड अमेजिंग पर्सन, स्टार्टेड लाइफ फ्रॉम जीरो, but today he's making millions exactly, and this business he's handling for many countries. okay. तो थोड़ा सा ना out of respect I don't want him to waste time. नहीं नहीं, और दूसरी बात ये कि आपका impression भी मेरे को खराब, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि जो भी बात होगी ना वहाँ पे mostly तो अपनी खुद के बारे में बात होगी, right? okay. जो भी बात होगी ना वो accept, you know, फालतू में ना अपने को ना जैसा job interview में करते ना कि थोड़ा सा परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब नहीं करना है। जो खुल्लम खुल्ला बात करनी है, दिल से दिल की बात करनी, अगर फटी हुई किसी एरिया में तो वो, अरे नहीं फटी हुई तो नहीं, मतलब कई बार क्या होता ना, अभी 2-3 दिन पहले कोई एक बंदा शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने बुलाया था राइट, मगर वो फिर जमा ही नहीं एक्चुअली में, क्यों वो मतलब समझ में आ रहा देख के कि उसकी हालत खराब है, मगर बोल रहा है कि आई एम वेरी गुड इन माय लाइफ, तो फिर वो फेस पे कुछ और एक्चुअली में कुछ और, तो वो जमता नहीं ना फिर, है ना? सही, सबसे पहले तो माइंडसेट मैच होना चाहिए ना। सही, तो एकदम अपने को फ्रैंकली सब कुछ ओपन होके बात करनी है, ठीक है? बट आपको मजा आएगा उनसे मिलके, यू नो इतना तो पक्का है, मजा आएगा। और अगर गया तो बढ़िया है, फिर आपका भी हाथ पकड़ लेंगे, तो फिर अपन साथ में निकल जाएंगे आगे। वैसे सचिन जी, उस दिन जब हमारी बात हो रही थी आपने कुछ बताया नहीं कौन सा बिजनेस है, कुछ थोड़ा बता पाएंगे मुझे, मैं इसके लिए फिट हो पाऊंगा? इसी के लिए तो बुला रहा हूँ आपको। करेक्ट। ओके, इसी के लिए तो बुला रहे हैं, देखो वही तो सारी बात करनी है अपने को मिलके राइट। अभी आपको फोन पे कुछ बताऊंगा, फिर आप कुछ समझोगे, तो इससे अच्छा सामने सामने बैठ के पूरा ऑफिशियल डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, फोन पे बात करेंगे तो कितनी करेंगे? सही, ठीक बात है कि नहीं? सही बात, क्या बोलते हो आप? बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल है ना, तो बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, तो आप मुझे थोड़ा लोकेशन में भेज दीजिएगा। ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं, थर्सडे को एक बार शाम को, थर्सडे को एक बार मैं आपको शाम को वापस रिमाइंडर दे दूंगा। ओके, ऑफ और फ्राइडे फिर मिलते हैं। ठीक 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 है, ठीक है, चलिए आप लिख लो अपने डायरी में, लिख लो मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके डन। अब बताइए क्या था, नेचुरल था? बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। एनी डिफरेंस इन द वे अदरवाइज वी डू? एंजाइटी ने हम लोग तो हिचक जाते हैं ना एक्चुअली में बात करते कर। अगर आपने किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना है आपकी कंपनी में, आपके बॉस के साथ में आप रेफरेंस के थ्रू फिक्स कर रहे हो, तो कैसा क्या सोच रहेगी दिमाग में, यही बोलोगे ना, ऐसे ही बोलोगे ना? बिल्कुल, कि सुन सुन कल तेरा इंटरव्यू फिक्स हो गया, फटाफट आ जा, और मैंने तो बात कर ही ली है, अब देख ले क्या होता है, जो भी है मैं इतना ही कर सकता हूँ, करेक्ट है ना? वो आदमी बोलेगा, लेकिन सुनना पगार कितनी मिलने वाली है, पोजीशन क्या है, ये बोलना भाई सुनना यार, इतना कुछ डिटेल में नहीं आना है, तो आ नहीं तो मत आ, राइट? सही बात, करेक्ट है ना?
मतलब जो आदमी, एक बात बताओ, आपने किसी कोई आदमी बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ है, मेरी नौकरी लगवा दे, ठीक है? अब जब आपने इंटरव्यू फिक्स करना शुरू किया ना, तो वो चूचा नाटक कर रहा है, मतलब भाई सुनना, टाइमिंग क्या रहेगा, काम वर्क टाइमिंग क्या रहेगा, अरे भाई वो पैसा कितना मिलेगा, इंटरव्यू में जाने के पहले ही, राइट? तो आपका दिमाग सटकेगा नहीं, क्या बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे उसको? बोलेंगे आना है तो आ जा, नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी। नहीं मतलब मतलब वो तो एरोगेंटली हो गया थोड़ा, बट जनरली उसको प्यार मोहब्बत से कैसे समझाओगे? देख यार तेरे लिए मैंने इतना किया है, अब तो उल्टे सवाल सवाल पूछ रहा है, तो देख ये सही नहीं है, अब हमारी भी थोड़ी वो इज्जत है। वो भी नहीं, आप क्या बोलोगे उसको, मतलब बहुत सटली बोलना है, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे सुनना भाई, तू आ जा वहां पे, इतना कुछ तो मैं डिटेल में नहीं पूछ सकता हूँ, मतलब यही बड़ी बात हो गई, तेरा इंटरव्यू हो गया वहां पे, राइट? अब जो भी पूछना हो तो वहीं पूछ लेना तू, करेक्ट? और दूसरी बात है, तू तो बात तो ऐसे कर रहा जैसे तेरे पास पांच और ऑफर बैठे पड़े हुए हो कि मैं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, ऑल दैट, राइट? ठीक है ना? और बेसिकली अगर जो आदमी ऐसा पूछ रहा है ना, इसका मतलब भी ये होता कि साला इसको इतनी भूख नहीं लगी है क्या कि बिल्ली के, अब वो चूहा सामने आया, बिल्ली के भूखी बिल्ली के सामने, तो वो चूहा चूहे के कान का साइज देख रहा है या चूहे का साइज देख रहा है, कितने किलो का चूहा ये देख रहा है, भाई पकड़ाएगा ना उसको, झपट्टा मारेगा उसको, थोड़ी ना रिसर्च करेगा, है? This also shows the attitude of the person also, right? तो भले ही वो बंदा साइन अप हो या ना हो, लेकिन आपको समझ में आता ना कि ये साला ऐसा आया तो मेरे अंडर में आएगा तो मेरे को कितनी तकलीफ होगी, है? सही। मतलब आलसी होते ना लोग कुछ, जैसे पुणे में ना बोल ऐसी कहावत है, पुणे के जो दुकानदार होते हैं ना पुणेरी टिपिकल, वो क्या होता है, उनसे अगर जाके बोलो आपको साड़ी चाहिए, तो वो बोलेंगे कौन सी वाली चाहिए, कितने की चाहिए, फिर आप बोलोगे इतने की, इसमें कौन से कपड़े की चाहिए, फिर वो बोलेंगे इतना, फिर बोलेंगे कौन से कलर की चाहिए, फिर वो बोल एग्जैक्टली जो आप बोलोगे ना वो एक कलर निकाल के लाके दिखाएंगे, इतना आलस होता, राइट? करेक्ट। और वही तुम दूसरा बनिया मारवाड़ी के पास जाओगे तो वो बोलेगा ये भी देख लो आप, ये भी देख लो आप, ये भी देख लो आप, ये भी देख, उसको पता कुछ तो लेके जाएगा, राइट? करें तो धंधा करते किसको आता है, मतलब बनिए को। तो